से कम कर्नाटका में येदियुरप्पा की सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें एक मंत्री ने और सीनियर मंत्री हैं उन्होंने बाकायदा सीएम के खिलाफ राज्यपाल को जो है एक शिकायत का खत लिख दिया है। और खत क्या लिखा है, खत में क्या कहा गया है कि दरअसल सीएम येदियुरप्पा जो है वो उनको काम नहीं करने दे रहे हैं ठीक से, उनके काम में हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो कौन मंत्री हैं ये मंत्री जो है, इनका नाम है ईश्वरप्पा, ईश्वरप्पा यानी कि के एस ईश्वरप्पा इनका नाम है, सीनियर मंत्री हैं। एक लव हेट रिलेशनशिप उनका बी एस येदियुरप्पा से रहा है। उन्होंने एक राज्यपाल को चिट्ठी लिखी है और उसमें उन्होंने लिखा है कि उनके विभाग से उनकी मंजूरी के बिना पैसा आवंटित कर दिया सीएम ने, और वो ऐसा करते रहते हैं, ऐसा होता रहा है लगातार, और उनसे पूछा भी नहीं जाता है। और बहुत गंभीर चिट्ठी, लंबी चौड़ी 4 पेज की चिट्ठी है, 4 पेज आपको स्क्रीन पे जो दिख रहे हैं वो 4 पन्नों की ये चिट्ठी है। और वाजू भाई वाला को जो पत्र लिखा है, जो राज्यपाल है उनको, उसमें उन्होंने लिखा अंत करते हुए चिट्ठी का, वो लिखते हैं कि एक तो अनाधिकृत हस्तक्षेप हो रहा है, कई सारे नियमों का हवाला दिया उन्होंने, विधानसभा विधान परिषद सरकार और कैबिनेट को लेके संवैधानिक प्रक्रियाओं का हवाला दिया, और कहा कि 774 करोड़ रुपए का बजट जो है उसका आवंटन उनको बाईपास करके, जो चिट्ठी का शब्द है बाईपास करके जो है वो सीएम ने आवंटित कर दिया। बात यह है कि अब ये मामला पार्टी के अंदर नहीं सुलझा, कैबिनेट के अंदर नहीं हुआ, इसके लिए राज्यपाल को चिट्ठी लिख दी गई। राज्यपाल कौन है, राष्ट्रपति का प्रतिनिधि है, राष्ट्रपति या केंद्र सरकार किसकी है ये भी हम जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इसको जो है वो खारिज कर दिया है, मतलब आरोप को अपने ही मंत्री के। और अंत में एक लाइन लिखी है चिट्ठी में के एस ईश्वरप्पा ने, जो कहती है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो मंत्री के तौर पे मेरी क्या हैसियत रह जाएगी। मुझे नहीं पता इस पे उज्जवल दादा कुछ कहना चाहेंगे, नहीं कहना चाहेंगे, कोई टिप्पणी करना चाहेंगे आप? बिल्कुल, जी आप क्या उम्मीद करते हैं कि मैं गहरी निराशा के साथ कहूं कि मैं तो येदियुरप्पा को बहुत ईमानदार समझता था, ये क्या हो गया? तो सवाल नहीं, देखिए दो बातें सामने आ रही है, एक तो आपसी झगड़ा है और ये मंत्री महोदय को शिकायत है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दिलचस्प बात ये है कि क्या उन्होंने ऐसे ही कह दिया या उनको किसी मजबूत हाथ का भरोसा है जिसके बल पर उन्होंने येदियुरप्पा जैसे एक दबंग, राजनीतिक रूप से दबंग जी नेता पर ऐसा आरोप लगाया है। आपका तो आपका जी आपका आपका इशारा जो है वो भाजपा के अंदर के किसी व्यक्ति की ओर है कि बाहर के? बाहर बाहर के लोगों की क्या हस्ती है, जो कुछ है वो तो अंदर ही है। सवाल है कि बाहर के लोगों का मामला यहाँ तक हो सकता है कि सरकार का आधार बढ़ाने के लिए अगर वो किसी दूसरी पार्टी, ये कुमारस्वामी की पार्टी को साथ लाना चाहते हैं, उसमें येदियुरप्पा मुख्यमंत्री के रूप में येदियुरप्पा का होना कोई अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो जी वो सब हिसाब हो सकता है, लेकिन बेसिकली ये अंदर का मामला है। हाँ, और वहाँ सब कुछ एकदम भरत मिलाप की स्थिति है, ऐसी बात नहीं है। कहीं ना कहीं इसमें अगर हम इसको बहुत ध्यान से देखें तो क्या येदियुरप्पा पिछले, मतलब एक लंबे समय से, खास तौर पे जब वो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर चले गए थे, भ्रष्टाचार के आरोप उन पे लगे थे, इस्तीफा देना पड़ा था, पार्टी छोड़ के वो चले गए थे, तो क्या ये जो एक नई भाजपा है, क्योंकि उनकी वापसी इस नई भाजपा के और इस नई सरकार के केंद्र में आने के बाद होती है, बीजेपी के जो कर्नाटक में बीजेपी का जो सेंटर है वहां पे, तो क्या जो आला कमान है, आला कमान के लिए एक एक बैगेज है येदियुरप्पा क्या कहीं ना कहीं? नहीं, सुनिए, बेसिक सवाल यह है कि आपके पास कोई दूसरा लिंगायत नेता है? हाँ, जी सवाल है कि लिंगायत को साथ रखना है, जी वो सबसे बड़ा ग्रुप है। जी हाँ,
उसमें येदियुरप्पा के अलावा और कौन होगा, जिसकी वजह से, और येदियुरप्पा बाहर होकर दिखा दिए कि वो खुद भले ही उनको कितनी सफलता मिले ये अलग बात हो सकती है, लेकिन वो बीजेपी की हालत खराब कर दे सकते हैं, और किया, वापस लौट के आए फिर बीजेपी जीती। जी तो सवाल लिंगायत का है कोई लिंगायत नेता? मुझे तो नहीं दिख रहा है। जी लेकिन ईश्वरप्पा जो है, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ईश्वरप्पा जो है वो दरअसल शिमोगा से ही आते हैं, मतलब जी। देखिए देखिए, सवाल सवाल ये भी है कि कभी कभी दबाव डालने के लिए, ये जरूरी नहीं है कि येदियुरप्पा को हटाने की कोई साजिश चल रही है, लेकिन कभी कभी ये होता, ये भी होता है कि साइज छोटा करने के लिए भी कुछ किया जाता है। तो क्या येदियुरप्पा की साइज छोटी करने की कोशिश है? क्योंकि अभी क्योंकि देखें, दरअसल इसमें मैं एक चीज मेंशन कर देना चाहूंगा कि ईश्वरप्पा और येदियुरप्पा इनके बीच केवल ये देखिए, क्योंकि ईश्वरप्पा जो है एक वक्त में डिप्टी सीएम रह चुके हैं राज्य के, और शिमोगा से आते हैं, और जो परस्पर एक राइवल कम्युनिटीज एक तरह से होती हैं, तो ईश्वरप्पा आते हैं कुरुबा जो ट्राइब है, जो समुदाय है उससे, ठीक है, कुरुबा कम्युनिटी से, और येदियुरप्पा जो है वो लिंगायत से हैं। लिंगायत ज्यादा डोमिनेंट है, लेकिन शिमोगा में एक तरह का एक पॉलिटिकल टसल जिसे कहते हैं वो एग्जिस्ट करता है इन दोनों कम्युनिटीज के बीच, और वो शिमोगा से ही चुनाव जीत के आए हैं, यानी कि इनको लिंगायत का वोट भी मिला, वरना शिमोगा से चुनाव जीतना लगभग असंभव है अगर येदियुरप्पा अगर लिंगायत का वोट ना मिले तो। नहीं, वो सब तो होता जी है, जी लेकिन सवाल है, बेसिक बात यह है कि लिंगायत को साथ लिए बिना बीजेपी के लिए चुनाव जीतना संभव नहीं है, तो आपका मतलब, आप ये है कह रहे ना? हैं कि इट्स अबाउट यू नो कटिंग द साइज, साइजिंग डाउन येदियुरप्पा, थोड़ा साइज डाउन किया जा रहा है उनको। हाँ, देखिए, इन सभी प्रदेशों में जहां भाजपा कुछ है, जी वहां अगर कोई मैटर करते हैं तो वो अमित शाह है। जी आप क्या समझते हैं कि कर्नाटक की इस घटना में अमित शाह कहीं नहीं है? मैं आपसे यही, मेरा मेरा देखिए मेरा सवाल ही यही है कि क्या ये जो हाँ सत्रप है, रीजनल सत्रप है, क्षेत्रीय सत्रप, इनका साइजिंग डाउन प्रोसेस है जो शिवराज सिंह के चौहान के साथ भी किया जा चुका है एक समय में, रमन सिंह के साथ भी करने की कोशिश की गई थी, और वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ भी करने की कोशिश की गई थी। तो क्या ये जो ये बेसिकली ऐसे नेताओं को धीरे धीरे किनारे लगाना है या कमजोर करना है, जो एक केंद्रीय नेतृत्व की जो आभा है उसको थोड़ा भी चुनौती दे सकते हो, सत्रप के तौर पर मजबूत अगर रीजनली कोई हो रहा है। तो उसको कंट्रोल में रखना जी है भाई। देखिए, किसी ना किसी को तो आप लाएंगे, जी हाँ, और जिसको भी लाएंगे आप, वही उभरने की कोशिश करेगा। अब वो भी ठीक है, वो सब अकोमोडेट कर लिया जाता जी है, लेकिन कंट्रोल में रखना पड़ेगा। हाँ, जी अब येदियुरप्पा की समस्या ये है कि येदियुरप्पा खुद अपने आप को कुछ समझने लगते हैं, जी इसलिए ऐसी बातें होती रहेंगी, जी फिर निपट भी जाएंगी। जी